Welcome back viewers, Zero to Infinity channel. How to fix two earbuds light one side not working problem. आज की वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा. बहुत सारे टू एयरबड के यूज़र हैं जो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि टू एयरबड लाइट हैं, उनके एक साइड से आवाज़ नहीं आ रही है. कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए, आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा. कुछ सिंपल से स्टेप्स उनको परफॉर्म करना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपने डिवाइस की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है. सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करना है और एक ऑप्शन है उसको ढूंढ लेना है, एसेसिबिलिटी का. तो एसेसिबिलिटी वाला ऑप्शन है उसको ढूंढ लेना है, और उसको ढूंढने के बाद कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं वो फॉलो करने जो आपकी हेल्प करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो एसेसिबिलिटी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हियरिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर दे रहे हैं. तो हियरिंग पे जाने के बाद बहुत सारे यूज़र क्या करते हैं, मोनो ऑडियो होता है उसको इनेबल कर देते हैं. मोनो ऑडियो मतलब सिंगल ऑडियो, सिंगल मतलब जब आप एयरबड कनेक्ट करोगे तो एक साइड से आवाज़ आएगी. तो सबसे पहले इसको अगर आपने नहीं भी किया इसको ऑन, तो एक बार ऑन करें और इसकी वॉल्यूम फुल कर दें. उसके बाद इसको फिर से वॉल्यूम को सेंटर पे रख दें और इसको ऑफ कर दें. ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ब्लूटूथ पे जाना है. ब्लूटूथ पे जाने के बाद हमें कुछ सेटिंग है वो करनी पड़ेगी जो हमारी हेल्प करेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. तो ब्लूटूथ में जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कर देना है. और यहाँ पे पेयर कंपैटिबल डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है. यहाँ पे जो भी आपकी डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे इजीली इस फीचर की मदद से. और आपको ब्लॉक लिस्ट में चेक भी कर लेना, कहीं आपको जो एयरबड है वो कहीं वो आपने ब्लॉक नहीं कर दिया गलती से. और इसके बाद फिर से यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग पे जाना है और ब्लूटूथ को ऑन करना है. और जिस भी एयरबड को आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसकी सेटिंग पे यहाँ पे आ जाना है. सेटिंग पे आने के बाद फिर से कुछ मल्टीपल टाइप्स के हमें और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ. यहाँ पे फ़ोन कॉल्स, मीडिया ऑडियो, इनपुट डिवाइस ये सब है, इनको ऑन कर लेना है. अगर ऑलरेडी ऑन है एक बार ऑफ करें, फिर से ऑन करें, फिर डिवाइस को रीस्टार्ट करें, आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर कर पाओगे. वीडियो को लाइक ज़रूर करें.